नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के विषय में। जिनका भी वृषभ राशि हो, चाहे जातक हो चाहे जातिका हो, किसी का भी वृषभ राशि है तो आज हम आपको बताएंगे कि जिसका भी वृषभ राशि होगा उनका किस वर्ष में विवाह होगा और किस महीने में विवाह होगा और किस दिशा में विवाह होगा। संपूर्ण जानकारी आज हम आप सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, देखा जाए तो वृषभ राशि जो है ये पृथ्वी तत्व राशि है, स्थिर राशि है ये, और इनका जो वृषभ का स्वामी है ये भगवान शुक्र हैं, और शुक्र की जो इष्ट देवता हैं माता लक्ष्मी हैं। तो आज हम संपूर्ण जानकारी आप सामने प्रस्तुत करेंगे कि वृषभ राशि किसी का भी होगा तो उनका किस वर्ष में विवाह होगा, किस महीने में विवाह होगा और किस दिशा में विवाह होगा। संपूर्ण जानकारी आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं आज का जो मुख्य विषय है कि वृषभ राशि। तो देखिए, जो मैं नाम बता रहा हूँ, किसी का नाम ई उ ए ओ वा वी वो वे वो, इन नाम किसी का भी इन अक्षर से नाम पड़ता हो तो समझ लीजिए कि आपका राशि क्या है, वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि का नाम देख लीजिए, ई उ ए ओ वा वी वो वे वो, इन अक्षरों जिनका भी नाम होगा उनका वृषभ राशि है। अब वृषभ राशि देखिए, स्वामी शुक्र हैं और इनके जो इष्ट देवता है माता लक्ष्मी जी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इनका जो तत्व बताया गया है ये पृथ्वी तत्व है और ये स्थिर राशि है। वैसे देखा जाए तो शुक्र ग्रह जो होते हैं विवाह प्रेम यानी और संबंध के कारक हैं, ऐश्वर्य सौंदर्य वाहन सुख आकर्षक व्यक्तित्व इनके अंदर हमेशा रहता है। अब आज का जो मुख्य विषय है, देखा जाए तो वृषभ राशि का शादी किस वर्ष होगा, किस महीने में होगा और किस दिशा में होगा। तो मैं इधर वर्णन किया हूँ कि जिसका वृषभ राशि हो, कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसका वृषभ राशि है उनका विवाह जो है पहले तो मार्च महीना अप्रैल महीने में संभवतः विवाह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वृषभ राशि वालों का विवाह मार्च महीने में या तो अप्रैल महीने में विवाह होते हैं। किस वर्ष में होते हैं, जब ये 23 वर्ष का प्रारंभ करते हैं, 23 वर्ष से 29 वर्ष के बीच में विवाह अवश्य होता है। 23 वर्ष से 29 वर्ष के बीच में इनका विवाह संभवतः हो जाता है। अब देखा जाए इनका दिशा कौन सा है, तो पहले आप सरल तरीके से समझिए कि वृषभ राशि का जो है स्वामी ये शुक्र है और शुक्र का जो दिशा बताया गया है अग्निकोण, माने आपका दक्षिण और अग्निकोण। तो कहने का तात्पर्य यह है, अग्नि माने दक्षिण में भी हो सकता है विवाह, या तो अग्निकोण माने दक्षिण पूर्व के कोण में भी ये विवाह हो सकता है। मान लीजिए किसी का विवाह नहीं हो रहा है, अगर ये नियम बताया और इस उम्र में विवाह नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि विवाह में और भी समस्याएं हैं। जिस सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है, यदि सप्तम भाव में जो आपकी कुंडली होगा आप देखेंगे, या सप्तम में सूर्य बैठा होगा, शनि बैठा होगा, मंगल बैठा होगा, राहु बैठा होगा, या मान लीजिए आपका जो मैं कुंडली बता रहा हूँ वृषभ राशि का, तो वृषभ राशि स्वामी शुक्र है तो कहीं शुक्र ग्रह वक्री तो नहीं है, तो इसमें विवाह में समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वृषभ राशि की जो मैंने ये मुहूर्त बताया इस समय में विवाह 99% होता है। अब मान लीजिए किसी का वृषभ राशि है और विवाह में कठिनाइयां बढ़ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप नियम बना लें, शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ का दान करना प्रारंभ कर दीजिए। सफ़ेद चीज़ क्या है, सफ़ेद वस्त्र हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, शक्कर हो गया, चावल हो गया, ये आप स्वयं ग्रहण करें, खाने का चीज़ ग्रहण करें और सफ़ेद वस्त्र आप धारण करें और यही चीज़ आप दान कर सकते हैं। और जो दिव्य चीज़ बताया गया है कि शुक्रवार के दिन आप नियम बना लें, 5 शुक्रवार तक जब आप स्नान करें थोड़ा सा गाय का दूध मिले तो आप पानी में मिला करके अपने को थोड़ा सा स्नान करें, 5 शुक्रवार करना है। और शुक्र का मंत्र क्या है, उनकी संख्या क्या है, ओम सोम शुक्राय नमः, या तो ओम शुक्राय नमः, यदि 16,000 मंत्र इनका किया जाए। अगर मान लीजिए शुक्र के वजह से विवाह में कठिनाइयाँ आती हो, प्रॉब्लम आता हो, तो मैं यहाँ लिखा हूँ शुक्र का मंत्र जो है ओम शुक्राय नमः, या तो ओम शुक्राय नमः,
जप है 16,000। देखिए और ये गुण रहस्य बता रहा हूँ, क्योंकि शुक्र जो है देखिए लिखा हूँ, अगर आप कला में जाना आगे चाहते हैं, फिल्म लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या मीडिया लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप गायक बनना चाहते हैं, या आप मॉडलिंग करना चाहते हैं, वैवाहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हीरा या तो ऊपर रत्न आप धारण करें, क्योंकि शुक्र का जो रत्न बताया गया है, या तो डायमंड यानी हीरा आप धारण करें, या तो ऊपर रत्न धारण करें, लेकिन किसी से परामर्श कुंडली दिखा करके तो ही रत्न धारण करें, और ये नियम आप करें। प्रिय मित्र, वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले स्वर्ण फिर मिलते हैं। नमस्कार।